और फिर और फिर यार मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका और मेरा गोल सेम है यानी हम ये जो यहाँ मिल रहे हैं बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव के साथ और वो यही है आपका सेल, आपका सिलेक्शन इंश्योर करना आपका सिलेक्शन गारंटी करना विच इज डेफिनेटली पॉसिबल लेकिन उसके लिए लगता है बहुत सारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स है ना यार देखो वर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं सबके पास सेम ही टाइम है और हार्ट वर्क हर मतलब ई कैन सी मेनी ऑफ यू आर रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड लेकिन हार्ड वर्क तभी काम आएगा जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर अपने टारगेट वो जो आप छोटे छोटे टारगेट्स खुद को दे रहे हैं उनको फुलफिल करेंगे और जैसे मैं आपको कहती हूं कि यार यहां पर अगर आपका एक सेशन Uh, हम में कोई भी पार्ट कवर करते हैं उसको आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं उसके प्रिपेयर कर रहे हैं डीपीपीस के मेक श्योर आप ये साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, है। तो हैं, तो तो sure हैं यानी कि इसके बाद नोट कंप्लीट हो रहे हैं रिविजन प्रॉपर हो रहा है आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें से भी कोई भी लिंक आपका ऐसा छूटना नहीं चाहिए तो मेक श्योर की हमारी प्रेपरेशन एकदम होलसम चल रही है साथ ही साथ अभी आप जानते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है यार अगर आप हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक पर जुड़ना चाहते हैं देन मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 20% ऑफ आप ग्रैप कर सकते हो इसका मतलब है कि अन अकेडमी पर यू नो दीज आर दी प्लेटफॉर्म प्लस एन आइकॉनिक और यहां पर आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा यू नो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं जहां पर बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स के साथ आप अपनी प्रेपरेशन को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं क्योंकि वहां आपको हर चीज का एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलता है एक महीना पहले आपको पता चल जाता है कि आपकी नेक्स्ट मंथ कौन कौन से क्लासेस कब कब होने जा रही है जब आपको सारा टाइम पता होगा पूरा स्केड्यूल आपके सामने होगा तो फिर आप अपना भी स्केड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं डेली डेली आपको उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं लगेगी है ना और फिर जब आपको दिखेगा मेरा सिलेबस यहां पर ऐसे कंप्लीट वाला है अगर डाउट आए तो मेरे को यार इनसे यहां पर अपने डाउट पूछना है हर वीक आपका जब टेस्ट लिया जाएगा आई थिंक यहां से आपको जब काफी क्लैरिटी मिलेगी यानी कि कोई होगा आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए फिर आपका बस एक काम होगा एंड दैट इज बहुत सारी मेहनत और मैं जानती हूं वो मेहनत करने के लिए आप यार आप लोग तैयार हो तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रेपरेशन ऐसा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो कोड यूज कर रहे हैं आपने ए के लाइफ और मैं यही चाहूंगी जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं यार उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे या यू नो दिवाली के आसपास देन दिस इज द टाइम क्योंकि यार अभी आपके पास मौका है 20% ऑफ आपको मिल रहा है नॉर्मली अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिलता है सो व्हेन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कम ऑन ग्रैब इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्लस और आइकॉनिक में आपको कंफ्यूजन हो तो गो विद आइकॉनिक क्योंकि वहां पॉसिबल हो पाता है पर्सनल इंटरेक्शन विद एजुकेटर एट द सेम टाइम अन स्टडी मटेरियल ऐसा घर तक चलकर आ जाता है आपके ठीक है विच इज गोइंग टू हेल्प यू काफी फिर इसी के साथ आप जानते हैं यार अगर आपको फील ऐसा ऑफलाइन पढ़ने में ही आता है तो कोटा लखनऊ नोएडा एंड पटना आपके ऑफलाइन बैचेस लाइव हैं यानी कि वहां पर आप ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं वी हैव मेनी अपकमिंग बैचेस एज वेल यहां पर भी आपको सेम ही काम करना है तो इनके आप ऑफलाइन भी ऑप्ट करते हैं और वहां पर एनरोल कराते हैं तो वहां भी यू कैन यूज द कोड ए के लाइफ और आप लोग ठीक है तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है सेम गोड यूल टू ग्रैप द डिस्काउंट इसी के साथ ब्रह्मा थ्री पॉइंट ओ बैच में आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे अगर आपकी तैयारी चल रही है 23, बाकी अगर आप एक ट्वेंटी फोर एस्परेंट है नीट की नीव में आपको मिलती है जहां पर आपका हो रहा है इंतजार अगर so, आप ज्वाइन uh, करते हैं, ज्वाइन मी इन ब्रह्मास्त्र बैच इसी के साथ UNSAT में यार सबने एनरोल कराया बिकॉज दिस इज वन वेरी बिग स्कॉलरशिप टेस्ट जहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद आपको मिलता है मौका बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स से ऑल फॉर प्री पढ़ पाने का क्योंकि 100% परसेंट स्कॉलरशिप तक आप ग्रैप कर सकते हो साथ ही साथ एट द सेम टाइम आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाता है टू दी स्पेशल रैंकर्स ग्रुप जहां पर होने के बाद आपकी प्रॉबेबिलिटी बढ़ जाती है एक अच्छा ए सिक्योर करने की फिर देर इज समिंग नीट सिक्सटी फाइव कमिंग अपर यू जिसका आप चैनल पर ऑलरेडी Uh, क्या बोलते हैं ट्रेलर तो देख ही चुके हैं है ना पर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखते हैं पर यहां से आपकी काफी मदद होने वाली है एंड इन अ वेरी न्यू वे स्टेट टूं और इसी के साथ बहुत सारा जोश यार योर इन द चैट सेक्शन आई शुड सी सम वेरी गुड एनर्जी बहुत सारे थम्सअप्स है ना

के बारे में हमने बात की यार उन्होंने ऐसा यूरिया का सिंथेसिस कर दिया फिर और कुछ कुछ जैसे किसी कार्बन का क्या होता है डिग्री ऑफ कार्बन या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिसाइड होता है और फिर आज के क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से जो बेहद इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालेंगे फंक्शनल ग्रुप अच्छा यार देखो अगर आपको अच्छा लगता है मजा आता है तो यहां पर अभी के अभी सेशन को मिल जाना चाहिए बहुत सारा प्यार और अपनी अपनी अटेंडेंस रजिस्टर कर दीजिए सो so दैट आकांक्षा मैम भी आपकी समझ पाए क्या कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम ऐसा मैम के साथ हैंड इन हैंड आगे बढ़ने के लिए तैयार है है ना चलो और मैंने आपको हमेशा कहा है कि बहुत ऐसा बहुत ज्यादा अपने आपको नहीं कीजिए है ना कि यार मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा सारे लेक्चर लाइव देखूंगा नहीं पहले यह आपका कल ही एक नया यूनिट स्टार्ट हुआ है खुद से प्रॉमिस करिए कि मैम ने एक न्यू यूनिट स्टार्ट किया है इसको मैं हर दिन लाइव देखने वाला हूं इसमें मैं हर एक सेशन को बाय सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूँ एंड दैट्स इट और फिर जब आप उतना कर लेंगे तो आप खुद ही मोटिवेटेड फील करेंगे करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप का आपको कुछ कुछ अंदाजा तो होगा है ना जैसे एक बात बताओ हम लोगों ने कल ही आपका आ, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन पढ़े एक तो हमारे पास होता है कंडेन्ड फॉर्मूला और एक आपका होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना

अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, अलग ग्रुप यहाँ पर अटैच है अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे इनको तो यहां इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब बाकी के कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स ध्यान से सुनिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी कोई के कोई एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम आपके स्ट्रक्चर में अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते फंक्शनल ग्रुप ग्रुप होते होते हैं हैं और ये वैसे होते हैं जो आपके यू नो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं ऑब्वियस बात है ना देखो ऐसा कंपाउंड में कुछ कुछ आ जाएगा तो कुछ कुछ हो भी जाएगा अब इसमें तुमने ऐसा ऑक्सीजन हाइड्रोजन एल्कोहोलिक ग्रुप लगा दिया क्लोरिन लगा दिया फिर और कुछ लगा दोगे तो कुछ और हो जाएगा है ना अब ऑब्वियसली अलग अलग तरीके के ग्रुप्स आप यहाँ पर अटैच

ग्रुप ऑफ एटम्स तो देखिये अभी आप लोग साथ नोट्स बना सकते हैं किसी का एक्सक्यूज नहीं होगा कि यार मैम हम नोट्स नहीं बना पाए यूट्यूब पर ऐसा कुछ ठीक है chemical properties of molecules. Decide the

हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है विच इज एल्कोहल और एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा ओ एच से है ना यार इस तरीके से ऐसा ओ एच के हेल्प से आप लोग क्या करते हो ये हम कहते हैं कि यार ये अपना फंक्शनल ग्रुप है यानी जहां पर भी आपको ऐसा लिखा मिले मतलब समझ जाइए कि आपके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अब यार ये जो अपना एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये भी अलग अलग टाइप का होता है यानी कि इसको भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं आप तो सुनिए हमारे पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी देखो वैसे एक बात बताओ यार ये तो बिल्कुल सिंपल बात है ना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि हमारे पास सी एच थ्री ओ एच है क्या है ये मीथेनोल तो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप हुआ ये क्या है आपका एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मैंने सबसे बेसिक सबसे सिंपल वाला आपको बनाकर दिखा दिया है अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि भाई आपके पास जो आपके एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग आ, अलग 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 अलग

तो जैसे कल हमने डिग्री ऑफ कार्बन सीखा एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डिग्री आइडेंटिफाई करने में ऐसे यहां पर डिग्री आप लोग मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल भी आज के लेक्चर के बाद बेहद आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर वन डिग्री को कहते हैं प्राइमरी टू डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी आप क्या कहते हैं मैम सेकेंडरी और अपना जो थ्री डिग्री होता है उसको आप क्या कहते हो टर्शरी कहते हो ठीक है तो यहां पर वी हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ एल्कोहल अब प्राइमरी एल्कोहल किसको कहते हैं बड़ी सिंपल बात है देखो यार अगर आपके पास आपका एक कंपाउंड कंपाउंड आपको गिवन है से यू हैव दिस और यहां पर आपका इस तरीके से ये ओ एच OH ग्रुप लगा है आप मुझे बताओ ये वन डिग्री एल्कोहल कहलाएगा टू डिग्री एल्कोहल कहलाएगा थ्री डिग्री मतलब थोड़ा सा सोचिए बस थोड़ा सा और उतने में बात बन जाएगी और बता दीजिए बोलो यार क्या लगता है आपको बोलिए अभी तो मिस्टर संगम शर्मा अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं आपको क्या समझ नहीं आया मैंने तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कुछ तो पढ़ाया नहीं मैंने कह रहे मैम समझ नहीं आया okay. अरे वाह वेरी यार तुम लोग ऐसे इंटेलिजेंट टाइप्स मतलब मेरे साथ हो गए हो कि वैसे तुम इंटेलिजेंट लगते हो मेरे को देखो टू डिग्री एल्कोहल है आपका क्यूब आप जो है ना एल्कोहल का नेचर डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कार्बन आइटम इट इज अटैच टू इसका मतलब कि आपका जो ये ओ एच OH ग्रुप है कैसे कार्बन आइटम से जुड़ा है वो डिसाइड करेगा कि आपका एल्कोहल का नेचर कैसा है तो देखिए यहां पर ये जो आपका कार्बन आइटम है ये कार्बन आइटम दिख रहा है आप सबको या ये जो अपना कार्बन आइटम है ये कैसा है सेकेंडरी कार्बन है टू डिग्री कार्बन है क्योंकि ये और दो कार्बन आइटम से अटैच्ड दिख रहा है एक ये कार्बन एंड कार्बन सो दिस कार्बन इज एक्टैच टू टू अदर कार्बन आइटम्स एंड दिस इज हाउ ये आपका टू डिग्री एल्कोहल कहलाएगा क्योंकि कार्बन OH से जुड़ा है और इसीलिए आपका एल्कोहल भी कैसा बन जाता है सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है और हम क्या कहते हैं कि यार मैम यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है विच इज टू डिग्री एल्कोहल अंडरस्टूड फिर यार ऐसा भी हो सकता है देखिए मैं आपके सामने सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं उसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है लेट से वी हैव सी एच थ्री कार्बन यहां भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है यहां मान लीजिए एल्कोहल है वी ग्रुप और अब आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा एल्कोहल है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री आहा हा दिस इज वेरी इजी ना देखो यार ये जो आपका कार्बन आइटम है ये कार्बन आइटम का नेचर कैसा लग रहा है तुम लोग को यहाँ पर ये कार्बन आइटम तीन और कार्बन आइटम से अटैच है मतलब की डेफिनेटली यार ये आपका कैसा होने वाला है थ्री डिग्री कार्बन होने वाला है और क्योंकि आपका थ्री डिग्री कार्बन है और इससे हमारा एल्कोहल जुड़ा है तो एल्कोहल का भी नेचर वैसा ही होगा और ये जो आपका है क्या कहलाएगा मैम थ्री डिग्री एल्कोहल कहलाएगा दिस इज थ्री डिग्री एल्कोहल ठीक है तो इस तरीके से वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे यार देखो मैंने आपको टू डिग्री सिखाया थ्री डिग्री सिखाया डिग्री पहचानना सबसे आसान है पर हम आपको ही देते हैं नहीं तो तुम कहोगे यार मैम ने ना ऐसा मतलब आकांक्षा मैम ने ना बनाया ही नहीं था वन डिग्री एल्कोहल है ना ये लगता है ना फिर तुम्हें बस आपकी इसी बात के लिए

कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिसको आप वन डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है आपके पास फोर ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार प्राइमरी एल्कोहल कौन है तो देखिए साथ साथ बनाना प्लीज ठीक है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मैम लिख रही है और आप भी ऐसा अपना लिखेंगे नोट्स बनाएंगे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाते जाइए तो ऑप्शन ए तो दिखता है यार कुछ ऐसा एकदम नाइस एंड गुड पर ये वन डिग्री एल्कोहल है कि नहीं ये आपने पहचानना है फिर ऑप्शन बी है कुछ इस तरह देखिए अब इसको भी देख लो यार कि ये यारन डिग्री एल्कोहल है या नहीं ठीक है यहां पर आपके पास ये एक ग्रुप लगा हुआ है फिर ऑप्शन सी आपके पास देखिए ऑप्शन सी में हमारे पास क्या हो रहा है कुछ 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 तो हो ही रहा है है ना तो देखो यहां पर ऐसे लगा है और ये रहा यार ऐसे देख लो फिर ऑप्शन डी ऑप्शन डी में हमारे पास है एक और एल्कोहल कुछ इस तरह अब यार क्वेश्चन तो नहीं भूल गया आप ओ माय गॉड मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते बनाते हम तो यही भूल गए कि क्वेश्चन क्या था है ना किस किस के साथ ऐसा हो गया तो यार बेसिकली आपको मुझे यहां पर बताना है वन डिग्री एल्कोहल इनमें से कौन सा है आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहला अगर आप देखते हो आई मीन योर ए पार्ट वहां पर आप

यहां पर ये जो आपका कार्बन आइटम है वो कैसा है आप खुद बताइए यार ये वाला कार्बन आइटम इस तरीके से बाकी दो एडजेसेंट कार्बन आइटम से डायरेक्टली अटैच है एंड सिंस इट इज डायरेक्टली अटैच टू टू एडजेसेंट कार्बन आइटम देयरफॉर फोर ये कैसा होगा टू डिग्री तो यार एल्कोहल भी कैसा होगा टू डिग्री पर क्वेश्चन क्या चाहता है कि आप बताएं वन डिग्री एल्कोहल कौन है तो यार इधर अपना ऑप्शन ए तो आउट हो गया है ना क्योंकि यार ये तो आपका वन डिग्री नहीं है दिस इज अ टू डिग्री एल्कोहल फिर ये वाले कार्बन आइटम का नेचर बताइए अगेन द सेम थिंग यहाँ पर भी आपका इस तरीके से दो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स अटैच्ड है तो ये भी टू डिग्री बन जाता है तो ऑप्शन बी भी, भी आपका आउट हुआ फिर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी देखते हैं तो यार देखो ऑप्शन डी में इस कार्बन का नेचर चेक करना पड़ेगा अभी ये वाला जो आपका कार्बन है वन टू थ्री तीन और कार्बन आइटम से जुड़ा है तो ये थ्री डिग्री एल्कोहल बन जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर आइए और ये वाला अगर आप एल्कोहल देख रहे हो तो इसके लिए हमें ये वाले कार्बन का नेचर चेक करना होगा और ये वाले कार्बन का नेचर अगर आप चेक करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ बगल में ऐसा एक ही कार्बन आइटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये आपके पास क्या बन जाता है वन डिग्री एल्कोहल और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दैट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर प्राइमरी एल्कोहल जिसको आप वन डिग्री एल्कोहल बोलते हैं एंड हियर इट इज है ना ये रहा तो ये सबको समझ आया अब एक और क्वेश्चन करते हैं है ना तो आपकी ल, आ, कहानी में जरा ट्विस्ट लेकर आते हैं और टू डिग्री एल्कोहल तो के लिए बहुत सारी एनर्जी बहुत सारा जोश दिखना चाहिए मुझे में मतलब मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन लाइव क्लास में करा देती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी ऐसा कंफ्यूजन का या डाउट का पॉइंट बचता होगा है ना Uh, बहुत सारे बच्चों को अदरवाइज बड़ी कंफ्यूजन होती है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री का क्या सीन चल रहा है उसके साथ है ना पर आपके साथ आई नो ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे एकदम सही सही आंसर यहां पर दे रहे हैं तो देखिए फिर हमारे पास टू डिग्री एल्कोहल आपने आइडेंटिफाई करना है तो यहां पर हम ऑप्शन देते हैं आपको ऑप्शन ए दिखता है कुछ इस तरह ये रहा ऑप्शन ए नाइस इंटरेस्टिंग ऐसा ऑप्शन है आपका ओ एच ये लगा हुआ है आपका एल्कोलिक ग्रुप ऑप्शन बी दिखता है कुछ ऐसे वी हैव दिस एज देखिए आपके पास सफिशियंट टाइम है कि मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हैं ये भी आपका एल्कोहलिक ग्रुप है है ना यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप है एंड देन ऑप्शन सी कुछ इस तरह यहां ओ लगा हुआ है और ये रहा सो वी हैव एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हियर एंड देन एंड लाइक like है OH और बस तो ये हुआ आपका लेट्स कॉल दिस ऑप्शन सी एंड दिस इज योर ऑप्शन डी अब आप मुझे यहां पर बताएंगे कि आपका टू डिग्री एल्कोहल इनमें से कौन सा है ऑप्शन ए बी सी में से आप क्या बता सकते हैं कि यहां पर uh, टू डिग्री एल्कोहल

एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट और आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा कि यार हमारे पास एक ही है, दो, yes, सीखते हैं। तो जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग सीखने जा रहे हैं यार, वो आपका कौन है? Amines. Amines? पता है क्या होता है बताओ सच सच बताओ तुम लोग जानते हो अमीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जहां पर आपके पास इस तरीके से नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और उसकी तीन वैलेंसीज आपकी फुलफिल हो रही हैं और ये थ्री वैलेंसीज कैसे भी आ, थ्री वैलेंसीज कैसे भी फुलफिल कराई जा सकती हैं चाहे अल्काइल ग्रुप से चाहे हाइड्रोजन एटम से तो देखिएगा आपके पास अगर हम आ, मैं ना इसको आपको स्टार्टिंग से ही ऐसे कराती हूँ कि अमीन के भी हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी और ये ध्यान से देखना है क्योंकि यार ये ये जो आ, का का प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी है ना वैसा नहीं है जैसे एल्कोहल के केस में तो यहाँ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट के साथ तुम बहुत ज्यादा गड़बड़ भी कर सकते हो तो मेक श्योर यू पे ऑल योर अटेंशन योर क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है प्लस यहाँ गलती का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है तो मैं यही चाहूंगी आप ये गलती ना करें तो जरा ध्यान दीजिए और इसको ध्यान से समझना है देखो यार अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच टू एन और ठीक है तो ये तो हमें पक्का ही पता चल रहा है कि यार आपके पास यहां पर क्या है? अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यार ये कौन सा अमीन है प्राइमरी अमीन है सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है अगर आपका जो नाइट्रोजन आइटम है

सी एच थ्री सी एच टू एन और यार नाइट्रोजन का एक बैलेंसी हियर इज बी सैटिस्फाइड्रोजन आइटम एंडर बैलेंसी इज मिथाइल ग्रुप ठीक है तो एक अल्काइल ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन एटम लगा है और इधर तो ऑब्वियसली आपकी अल्काइल चेन है ये भी एक अल्काइल चेन है तो यार अगर आपके नाइट्रोजन एटम से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी अमीन बोलते हैं यानी कि टू डिग्री अमीन बोलते हैं क्या बोलेंगे आप इसको कि यार मैम ये टू डिग्री अमीन है तो देखो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन तो से तो यार टू डिग्री अमीन। फिर आगे बढ़ते हैं। और अब तो यार ये कॉमन सेंस जैसी बात लगती है मेरे को मतलब काफी हद तक अंडरस्टूड और तुम तो बच्चे भी बहुत ही प्यारे हो है ना ऐसे इंटेलिजेंट टाइप्स तब आप समझ गए हैं अरे यार मैम सब आता है हमें है ना? Okay, आरे, 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 आरे। हाँ जी <laughs> तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा ये जो आपका नाइट्रोजन आटम है यार ये नाइट्रोजन आटम से एक भी हाइड्रोजन आटम डायरेक्टली अटैच नहीं है देख रहे हैं आप ये जो आपका नाइट्रोजन आटम है नॉट अ सिंगल हाइड्रोजन आटम इज डायरेक्टली अटैच टू इट एंड देर फॉर दिस इज योर थ्री डिग्री अमीन क्या कहेंगे आप कि मैम ये थ्री डिग्री अमीन है क्योंकि मैम इससे तो एक भी हाइड्रोजन आइटम अटैच नहीं है है ना तो दिस इज योर टोर्चरी अमीन या फिर आप इसको क्या कहिए थ्री डिग्री अमीन कह दीजिए ठीक है तो यहां से सबको समझ आया

कि आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज अ थ्री डिग्री अमीन दैट मींस एक अमीन इन इनमें से कौन कहलाएगा तो पहला ऑप्शन आपका कुछ 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 इस तरह कुछ कुछ या कुछ कुछ क्या पूरी ही तरह इस तरह है ठीक है तो देख लो ये आपका स्ट्रक्चर बोलो यार ये कैसा अमीन है फिर उसके बाद ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या कहता है ऑप्शन बी कहता है कुछ ऐसा

होता है ना तो यार यहाँ पर ना आपको इनको सेम ही कंसिडर करना है मतलब चाहे हाइड्रोजन लिखा है चाहे ड्यूटीरियम चाहे ट्रीटियम आपकी नजर में वो हाइड्रोजन ही है है ना यार भले ड्यूटीरियम लिखा है पर मेरा दिल कहता है वो कौन है हाइड्रोजन है क्यों क्योंकि वो है है ना यार आइसोटोपी तो है ना हाइड्रोजन का तो चाहे ड्यूटीरियम लिख दें चाहे ट्रीटियम लिख तो कंसीडर करना है हाइड्रोजन ही कंसिडर करना है तो बेसिकली आप इसको ऐसे देखेंगे कि आपका जो नाइट्रोजन आइटम है उससे दो हाइड्रोजन आइटम्स अटैच्ड है और अगर आपके नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये क्या बन जाता है बोलो बोलो

बताइए यार ये जो आपको सामने दिख रहा है ठीक है बताइए 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 <laughs> 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 क्या ख्याल है आपका पताइए टू 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 सेकेंडरी वेरी गुड शाबाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप क्योंकि देखो यार ये जो आपका नाइट्रोजन आइटम है इससे केवल एक ही ड्यूटीरियम अटैच है और क्योंकि इससे केवल एक ही ड्यूटीरियम आइटम अटैच है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार इससे केवल एक ही हाइड्रोजन आइटम अटैच है ना तो यहां पर क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आइटम अटैच है तो ये आपका कैसा हो जाएगा टू डिग्री टू डिग्री बोलो बोलो अमीन ये क्या कहलाएगा कि यार मैं अमीन तो टू डिग्री अमीन है, है ना दिस इज टू डिग्री अमीन आगे बढ़े बताइए बता दो बता दो ठीक है देखो यार फिर इसके बाद हमने यहां पर अमीन का नेचर अच्छे से समझ लिया है फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज अमाइड कौन कौन जानता है अमाइड किसको बोलते हैं यार तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ना अमाइड लिंकेज बनता है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, है ना तो वो क्या होता है ऐसा होता है देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन और यहां पर इसको हम क्या कहते हैं मतलब जैसा कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कौन होता है सी डबल बॉन्ड ओ अगर वो डायरेक्टली अटैच है टू द नाइट्रोजन आइटम और फिर नाइट्रोजन की बैलेंसी कोई भी फुलफिल कर सकता है क्योंकि देखो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है थ्री एक बॉन्ड तो उसने पहली कार्बोनिल कार्बन आइटम के साथ बनाया है बाकी उसकी दो जो आपकी वैलेंसीज है वो कोई भी फुलफिल कर सकता है हाइड्रोजन आइटम भी कर सकता है और अल्काइल ग्रुप भी कर सकता है ठीक है तो यहां पर अगर ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाए तो बेसिकली जो आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं अमाइड लेकिन फिर यहां पर भी किसकी स्टोरी आ जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की अब यहां प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम सीखेंगे पर उससे पहले ना यार अमीन के केस में आपको मैं एक नोट लिखवा देती हूं कि यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अमीन अगर आपका प्रेजेंट है ना तो इनको हम अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं क्या काउंट करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं यार इस बात का मतलब क्या होता है थोड़ा सोचो और बताओ मतलब सोचो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है है ना और सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आ, दो अमीन ग्रुप्स हैं एक वन डिग्री और एक टू डिग्री है और आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ स्ट्रक्चर के अंदर टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने है? तो आपका आंसर होगा टू मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा देती हूँ सो दैट आप पूरी तरीके से समझ पाए कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं है ना तो लेट्स डू वन क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है सी फिर ठीक uh, है है ना फिर यहाँ नाइट्रोजन आइटम है इधर है, हाइड्रोजन आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप है कितने फंक्शनल ग्रुप है आपके और यहाँ पर जितने भी 24 फोर एस्परेंट्स हैं? देखो आपके लिए अभी थोड़ी देर में वी हैव स्पेशल सेशन फॉर यू जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपका कंप्लीट मैप देखो हमारा माइक भी यही चाहता है कि आपके साथ बस ये वाला सेशन से हम फटाफट किधर आ जाएं 24 का आपके साथ रोड मैप डिस्कस करें देखिए स्पेशली इफ यू आर अ 24 एस्पिरेंट तो नेक्स्ट सेशन मस्ट वॉच है ठीक है तो जस्ट एज वी गेट ओवर विद दिस सेशन मैं आपका साथ ही साथ दूसरा सेशन स्टार्ट कर दूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर 24 यानी कि अगर आप एक 24 एस्पिरेंट हैं तो कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में Uh, अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और आपका ना एक एडवांटेज भी है वो एडवांटेज में आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट सेशन में ही साथ ही साथ वो कौन से बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं कहाँ से कौन से लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं कौन से एडुकेटर्स को आप फॉलो कर सकते हैं और बाकी इस जर्नी में आपको अपनी प्रेपरेशन के दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो सब कुछ एंड और भी बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इन so sure well. वो, help, कि वो सब एज इट इज आपके लिए भी एप्लीकेबल है राइट सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन दिस हैं यार कि मैं आपको यहां पर मिलती हूँ YouTube पर बाकी आप मुझे Telegram पर ज्वाइन कर सकते हैं आई एम आकांक्षा मेरे पूरे नाम का

क्लासेस क्लासेस हो रही हैं या फिर हमारी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है डीपीपीज है नोट्स है बाकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके साथ वहां पर शेयर की जा रही है ठीक है अब आप मुझे बताएंगे कि इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैम बता दो मैम और इसी के साथ में देख सकती हूँ कि अभी तो आप लोगों ने बहुत कंजूसी किया है सेशन को पूरा केमिस्ट्री फिनिश हो, हो जाए तो मेक श्योर यू द लाइक बटन और अपना अपना अटेंडेंस आपने किया रजिस्टर टू वेरी गुड परफेक्ट है तो देखिए यहां पर यार अगर इसको देखते हो तो इसका नेचर कैसा है प्राइमरी अमीन है क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन आइटम इससे डायरेक्टली अटैच्ड है फिर यहां पर देखिए जो आपका नाइट्रोजन है इससे केवल एक हाइड्रोजन आइटम डायरेक्टली अटैच है एंड सिंस ओनली वन हाइड्रोजन आइटम इज डायरेक्टली अटैच टू इट देयर फोर्थ दिस इज सेकेंडरी तो आपके स्ट्रक्चर में दो तरीके के अमीन है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी अमीन है ना वी हैव प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी अमीन और क्योंकि आपके पास ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है तो आपको एक झलक में लग सकता है यार है तो अमीन ही पर नहीं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है यार जैसे अल्कोहल था एल्कोहल अगर वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री है तो एक ही बात है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज

चलो नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग अमाइड्स के बारे में तो मैं आपको ये सिखा रही थी कि यार अमाइड भी इसी तरीके से हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टोर्शरी रहते हैं तो देखिएगा किस तरह आपके पास सबसे पहले तो नंबर वन हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी अमाइड किसको कहते हैं यानी कि वन डिग्री अमाइड तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसा प्राइमरी अमाइड हम किसको कहते हैं ठीक है तो यार आपके पास जो है अगर मान लीजिए ऐसा एक कंपाउंड आपको गिवन है है ना यार तो लेट्स से यू हैव अ कंपाउंड लाइक दिस सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच बताओ क्या ख्याल है कि ये कैसा अमाइड होगा क्या लगता है आपको कि ये वन डिग्री होगा कि टू डिग्री ऊपर मैंने लिखा भी है है तो ये टू डिग, आ, वन डिग्री है, वन डिग्री अमाइड ही लेकिन डिग्री अमाइड की पहचान क्या है तो देखो वन डिग्री अमाइड में क्या होगा ना कि यार आपका जो नाइट्रोजन है उससे दो हाइड्रोजन आइटम्स अटैच होंगे डायरेक्टली हाउ मेनी टू हाइड्रोजन आइटम्स शुड बी डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन आइटम और अगर वैसा है तो ये आपका एक प्राइमरी अमाइड है क्या है वन डिग्री अमाइड है ठीक है तो यहां पर अगर आपके पास ऐसा सीओ एन एच लिंकेज है तो वो अमाइड है और नाइट्रोजन से अगर दो हाइड्रोजन आइटम डायरेक्टली अटैच है तो मैम वो प्राइमरी अमाइड है फिर इसके बाद बात करते हैं आपका टू डिग्री अमाइड की तो देखो यार टू डिग्री अमाइड में क्या होगा वही होगा जो होना चाहिए टू डिग्री अमाइड बोले तो आपका सेकेंडरी अमाइड तो देखो यार यहां पर हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि आपके पास इस तरीके से सी एच थ्री डबल फिर नाइट्रोजन आइटम का एक बैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है एंड means यहां पर भी क्या हुआ है कि आपके पास जो आपका नाइट्रोजन आइटम है उससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आइटम अटैच है तो देखो नाइट्रोजन से अगर टू हाइड्रोजन आर डायरेक्टली अटैच मैम वो प्राइमरी होता है नाइट्रोजन से अगर टू डिग्री अमाइड होता है और वहीं अगर हम सीखेंगे किसके बारे में थ्री डिग्री अमाइड के बारे में तो अब बड़ा ही ऑब्वियस हो जाता है कि थ्री डिग्री अमाइड को हम क्या कह सकते हैं थ्री डिग्री अमाइड को हम कह सकते हैं टर्शरी अमाइड और ये जो आपका टर्शरी अमाइड होगा hmm. जो आपका ये टर्शरी अमाइड होगा यार यहां पर आपके पास क्या रहा होगा एक ही बात बचती है कि नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा है ना तो उसको आप क्या बोल देंगे कि यार ये अपना अमाइड है जैसे कि बड़ा ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हम आपके सामने बनाते हैं से डबल बॉन्ड ओ एन और यार देखो ये नाइट्रोजन से सारे के सारे क्या जुड़े मिथाइल ग्रुप अटैच है, जुड़ है? हैं। तो बस एक भी हाइड्रोजन तो इससे अटैच नहीं है तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी अमाइड हो जाएगा एंड दिस इज योर थ्री डिग्री अमाइड आह कोई मुश्किल नो nope. है ना ठीक है अब देखिए एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे अमाइड्स के केस में सॉरी अमीन केस में जैसे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री को आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अमाइड जो है आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इनको भी आप क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर करते हैं कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स अरे वाह ठीक है मतलब कि इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर जहां पर आपके पास वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमाइट तीनों प्रेजेंट है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल ग्रुप है नहीं आप कहेंगे कि आपके पास थ्री फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर प्रेजेंट हैं अच्छा यार

क्या कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ओके दिस इज हाउ इट इज ये आपका ऑप्शन बी आइए ऑप्शन सी पर भी चलते हैं ऑप्शन सी क्या कहता है मैम मैम सी दिखता है कुछ इस तरह नाइट्रोजन डिंग डिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड देन वी हैव ए ऑप्शन डी वेर आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिख रहा है देखिए स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है मैम कुछ ऐसा चलो यार बताओ मेरे को फटाफट यहां पर टू डिग्री टू डिग्री अमाइट आपको क्या लगता है ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से विच इज अ टू डिग्री अमाइट देखो पहला ऑप्शन हम कंसिडर करते हैं पहले में आप ठीक है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और एन लिंकेज प्रेजेंट है तो अमाइड तो ये डेफिनेटली है प्लस नाइट्रोजन आइटम से एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है तो यार ये तो टर्शरी बन जाएगा थ्री डिग्री हुआ फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर अगर आप ऑप्शन बी देखते हो

तो बस इस बात में कोई दिक्कत आपको है ना है ना है ना ऐसा कभी कभी हो जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैम और ऐसा जोश में और जोश में खोकर होश आप आंसर टिक कर कर आ जाते हो ऑप्शन डी या फिर ऐसे भी कहते हैं कुछ बच्चे यार मैम आपको पता है क्वेश्चन गलत आया था उसमें पता है दो ऑप्शन ठीक दिए हुए थे फिर हमने तो इसको टिक कर दिया पर मैम इसमें तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे ना बोनस मार्क्स क्योंकि मैम क्वेश्चन रॉन्ग था है है ना ना कॉन्फिडेंस फिडेंस एकदम बढ़िया वाले कॉन्फिडेंस के साथ आते हो फिर तुम लोग यार मैम क्वेश्चन ही रॉन्ग आ गया आपको पता है दो दो सही ऑप्शन दे दिया उसने पर नो 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 दो दो ऑप्शन नहीं दिए हैं एक अमाइड है और एक अमीन है कह दो कि यस मैम आया समाज है ना चलिए अब आपसे पूछते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से अभी फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई थ्री डिग्री अमाइड इनमें से कौन सा है क्या करना है आपने आइडेंटिफाई कि यार मैम थ्री डिग्री अमाइड कौन सा है तो देखो ऑप्शन ए क्या कहता है ऑप्शन ए कहता है कि आपका स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरह तरह अरे यार इस तरह ओके okay, मैम बताओ ये कैसा अमाइड है फिर ऑप्शन बी आपके पास नेक्स्ट हाँ, देखो, देखो इनकी भावनाओं का इजहार हो रहा है हाँ मैम ऐसा ही है बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप है ना मेरे को पता ही है कि तुम लोग ऐसे ही करते हो मतलब तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते है ना लाइफ में इनसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं ये लोग थोड़ी ना कभी गलत हो सकते हैं गलत तो क्वेश्चन हो सकता है एनटीए हो सकता है पर आप हमेशा ठीक ही होंगे ऑप्शन सी देखो यार ऑप्शन सी भी अच्छा ही लग रहा है मेरे को तो इंटरेस्टिंग टाइप्स अब तुम देख लो बाकी बताओ इतना में ही बता दो आई थिंक इतने में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बताइए कि इनमें से कौन है जो थ्री डिग्री अमाइड है तो देखिए ऑप्शन ए

यार मैम ये तो टू डिग्री हो जाएगा मैम क्यों क्योंकि मैम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन अटैच है हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड है कि नहीं है सो सिंस हाइड्रोजन इज डायरेक्टली टू योर नाइट्रोजन तो इसीलिए ये हुआ डिग्री एंड दैट इज हाउ दिस इज योर सेकेंडरी अमाइड बिकॉज दिसकेंडरी पर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एन लिंकेज प्रेजेंट है तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप तो हुआ और क्योंकि एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है तो ये टू डिग्री अमाइड हो गया कह दो तो मैम आया समझ तो ऑप्शन सी हुआ अपना राइट आंसर ना ये लो जी आपका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है यानी कि नंबर फोर वो होता है फिनॉल देखो फिनॉल को देख कर ना आपको जरा ऐसा लगेगा कि यार ये तो पढ़ लिया है हमने है ना देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है फिनॉल दिखता है कुछ इस तरह आपके पास ऐसा एक बेंजीन रिंग बना लो सो so, आपके पास ऐसा एक एरोमेटिक रिंग होता है एरोमैटिक सुनकर तो आपको झटका लग गया होगा तो झटका मत लगवाइए क्योंकि एरोमैटिसिटी लोग जीओसी में पढ़ते हैं तो ये एरोमैटिक आपने ऐसे सोचिए कि सुना ही नहीं मैम ने बोला ही नहीं सिंपल सी बात है आपके पास मान लीजिए बेंजीन बेंजीन रिंग रिंग है तो भाई इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली ऐसा ओएच ग्रुप इसे लगा दू यानी कि डायरेक्ट आपकी बेंजीन रिंग से अगर ओएच ग्रुप जुड़ा है तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसको यार हम एक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं कि आपका क्या है ठीक है अच्छा आप मान लो तुम्हें ऐसा रिंग ही गिवन है और फिर इसमें क्या सीन चल रहा है आपके पास यहाँ पर सीएच टू और फिर क्या लगाया ओ OH एच लगाया क्या लगाया सीएच टू ओ एच लगाया तो देखिए फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा बताइए ये कार्बन कैसा है बोलो बोलो देखो यार यहां पर अपना ये जो एल्कोहल है ये जो एल्कोहल छोड़ो अभी के लिए या आपका जो ओएच एच ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से थोड़ी ना डायरेक्टली अटैच है ये तो कार्बन आइटम से अटैच्ड है तो अगर आपका ओएच एच ग्रुप ऐसा नॉर्मल कार्बन आइटम से अटैच है तो फिर ये आपका एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा हम क्या कहेंगे कि यार ये तो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अगर योर ओ ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू देंजीन रिंग देन यू कॉल इट फंक्शनल ग्रुप फिर आप क्या कहते हो कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है फिनॉल है वहीं अगर आपका जो एच ग्रुप है ऐसा कार्बन आइटम से जुड़ा है तो आप क्या कहते हो कि यार ये तो एल्कोहल है ठीक है बोलो यस मैम बोलो बोलो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा ना आपके साथ Penol और एल्कोहल आइडेंटिफाई करने में देखो कभी कभी एग्जाम्पल हो सकते हैं है, और कौन सा अरेट से में आपके पास है। so, कुछ इस तरह यह रहा ओ OH, एच है, है, है ना और नेक्स्ट देख लो यार ऑप्शन टू साथ साथ आप भी बनाइए जरूर तभी आपकी पूरी मदद हो पाएगी है ना तो यार अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो ना फिर कोई फायदा नहीं है ऑप्शन टू ये रहा और बस एक और ऑप्शन आपको देते हैं योर इट इज दिखता है कुछ इस तरह वापस से आई अपने पास एक बेंजीन रिंग कूल ओए ये लो भाई यहां पर आपके पास ये ओ ग्रुप अटैच है ठीक है अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन से वाले अरेंजमेंट में या कौन से कंपाउंड में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन से वाले कंपाउंड में आपके पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर आप पहला कंपाउंड देख पा रहे हैं तो यहां पर यार ये क्या हो गया ये तो फिनॉल हो गया कि नहीं क्योंकि यहां पर आपका जो ओ एज ग्रुप है वो डायरेक्टली आपका बेनजीन रिंग से जुड़ा है है ना जो आपका ओ एज ग्रुप है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू योर यौर 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 बेंजीन तो क्या है ये फिनॉल है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका ये जो OH ग्रुप है, है तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा एल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा फिर देखो यहाँ पर किसी किसी को ऐसा थोड़ा धोखा हो सकता है पर आपको अलर्ट रहना है कि भाई ये वाला जो आपका ओएज OH ग्रुप है ना ये तो नॉर्मल रिंग से अटैच है नॉर्मल मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड वाला सीन तो चल ही नहीं रहा है इधर देखो ये बेनजीन रिंग नहीं है ये तो साइक्लोहेक्न है है ना क्योंकि यहां पर अंदर तो कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं तो भाई ये बेंजीन रिंग नहीं है तो आपका ओएच OH ग्रुप नॉर्मल कार्बन एटम से अटैच्ड है तो जब भी ऐसा होता है तो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा कंसीडर किया जाता है अल्कोहोलिक तो यहां पर भी आपके पास क्या प्रेजेंट है अल्कोहल ही प्रेजेंट है कह दो मैम मजा आ गया और हमें समझ आ गया कह दो कह दो कह दो कह दो यार बोलो बोलो है ना है ना बोलो यार और इसी के साथ मजा आ रहा है आपको सब कुछ समझ पा रहे हैं अगर आप तो मेक बटनाशन को दिया आपने बहुत सारा हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की यानी कि नंबर फाइव जो हमारे कौन होते हैं हेलूचन्स ठीक है तो देखो यार हमने काफी सारे फंक्शनल ग्रुप आज पढ़ लिये वैसे क्योंकि क्या होगा ना अभी जब हम इनका नेमिंग करेंगे तो मतलब जब नॉर्मन प्लेचर हम सीखेंगे तो आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा Uh, जब मैं आपको नामन क्लेचर बताऊंगी कि यार ये वन डिग्री है कि टू डिग्री है या ये थ्री डिग्री है या फिर uh, इसको हम इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप काउंट होंगे ऐसे कंफ्यूजन आपको नहीं हो तो इसीलिए वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर ये जो आप सीख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है देखो हेलोजन कौन होते हैं सबको पता है बच्चे बच्चे को पता है आकांक्षा नाम के तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि यार फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? जहां पर ये आपका ग्रुप कहलाता है कि यार ये फ्लोरो ग्रुप है रुक ये कौन सा ग्रुप है फ्लोरो ग्रुप है फिर ये क्लोरो हुआ फिर मैम ये ब्रोमो हुआ और मैम ये आयोडो हुआ वाह वाह वा. वा. भाई सिंपल सी बात आती है कि आपके पास मान लीजिए ऐसा एक अरेन्जमेंट या एक ऐसा कंपाउंड गिवन है यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलोजन आपका यहां पर है, है ना और इसको हम पते क्या कहते हैं मोनोहेलाइड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यार मोनो मोनो का मतलब होता है वन भाई वन ही तो हेलाइड प्रेजेंट है आपके पास यहां पर एक ही हेलोजन आइटम है कि नहीं विच इज क्लोरीन अगर देखो दो लगे होते तो यार डाय बोल देते तीन होते तो ट्राई बोल देते क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही हेलोजन यहां पर लगा हुआ है तो इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे मोनोहेलाइड कहेंगे और ये एक मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल हुआ ठीक है अच्छा यार आपके जो हेलोजन होते हैं ना उसमें भी हमारे पास ऐसा वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास ये एक अरेंजमेंट है सी एच थ्री सी एच टू

Uh, जैसे एल्कोहोलिक ग्रुप के अंदर हम आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ कार्बन आइटम पर आपका कार्बन वन डिग्री है टू डिग्री है या फिर थ्री डिग्री है बिल्कुल वैसे ही जिस कार्बन से आपका ये क्लोरीन है वो कार्बन आइटम का क्या नेचर है तो यहां पर अगर आपका कार्बन आइटम कैसा है प्राइमरी है यानी कि वन डिग्री है तो आप क्या बोलते हो कि आपके पास ये प्राइमरी है इज वन डिग्री हेलाइड कैसा है लाइट ये प्राइमरी कह दो यस मैम है ना फिर नेक्स्ट आते अरे 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 ये रहा देखिए देखिए ध्यान से देखिए अब इस पे आप हमें बताइए यार ये तो बहुत इजी है मैम मैम थोड़ा जल्दी बता दो क्या होगा ये प्राइमरी की सेकेंडरी जल्दी बताइए सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहां पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और इधर क्लोरीन लगा दो अब बता दो व्हाट इज दिस वेरी इजी मैम देखिए अरे इसमें तो क्लोरीन ही यह देखो यहां पर क्लोरीन आइटम है तो अगर आप इस कार्बन को देखते हैं ये कार्बन दो और कार्बन आइटम से डायरेक्टली अटैच है सेकेंडरी है सेकेंडरी से है? है बिल्कुल इसी तरह यहां पर ये कार्बन आइटम क्योंकि थ्री डिग्री है तो ये आपका टर्शरी हैलाइड हो जाएगा क्या यह पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा नहीं होगा ना और यहां पर हेलाइड की जगह हम क्या बोल सकते हैं क्लोराइड भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लोरीन आटम लगा है भाई अगर फ्लोरीन लगा होता तो आप फ्लोराइड बोल सकते थे ब्रोमीन लगा होता आप ब्रोमाइड बोल सकते थे आयोडीन के लिए आप आयोडाइड बोल सकते थे आउट पर यहां पर देखो क्योंकि आपका अः फ्लोरिन आइटम अटैच है तो ये क्या हो जाएगा वन डिग्री क्लोराइड टू डिग्री क्लोराइड थ्री डिग्री क्लोराइड और थ्री डिग्री क्लोराइड आह आया ये बात सबको समझ है ना कोई मुश्किल कोई मुश्किल कोई परेशानी आ रही है तो बताइए नहीं आ रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया थोड़ा और पढ़ लें देखो यार, और ट्रा हेलाइट का कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं सामने हेलाइट स्टार्ट किया तो इसको पूरा फिनिश करेंगे ठीक है तो देखो डाई हेलाइट किसको बोलते हैं अगर आप डायलाइट की बात करते हो यार तो आपके पास क्या होता है देखिए सी एच थ्री सी एच टू सी यहां पर आपके पास क्लोरीन आइटम अटैच है फिर मिथाइल और फिर एक और क्लोरीन है ना तो यार ये जो आपका आपका अरेंजमेंट है इसमें आपका कार्बन से कितने क्लोरीन कितनेटैच हैं दो कार्बन हैं तो जब एक कार्बन आपका एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है तो हम उसको मोनोहेलाइट बोलते हैं और अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो आपके पास हेलोजन आइटम्स हो जाए तो उसको हम डाई हेलाइट बोलते हैं तीन हो जाए तो मैम ड्राई हेलाइट बोलते हैं और यार जब भी आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है ना कि आपका सेम ही कार्बन पर देखो यार ये एक ही कार्बन के ऊपर तो दो क्लोरीन आइटम लगे हुए हैं कि नहीं तो अगर आपके सेम ही कार्बन आइटम पर ऐसा दो क्लोरीन क्लोरिन अटैच है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं बताइए जेमिनल बोलते हैं वॉट डू वी कॉल इट वी कॉल इट जेमिनल डाइलाइड क्या बोलते हैं मैम जेमिनल डालाइट बोलते हैं मैम ठीक है जेम 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 जेमिनल बोलते हैं इनको जब से आपका सेम कार्बन आइटम से यानी कि एक ही कार्बन आइटम से ऐसा दो हेलोजन आइटम अटैच हैं तो वी कॉल इट जेमिनल डा हेलाइट ठीक है आगे बढ़े ऐसा आप जेम भी लिख सकते हैं इसीलिए मैंने ऐसा जेम जेम जेम

ठीक है तो अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि आपके जो हेलोजन एटम्स हैं वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हैं मतलब कि एक कार्बन उससे नेक्स्ट कार्बन और दोनों पर इस तरीके से अगर हेलोजन एटम्स अटैच हैं तो यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं विसिनल डायेलाइट बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल इट वी कॉल इट अ असिनल डायेलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये या आप सबको पता होना चाहिए क्या है ये विसिनल है तो इसको हम ऐसा, ऐसा विजेंट कर सकते हैं पूरा एक्सपेंशन है अभी देखिए आपके पास मैं एक और बना देती हूँ इसमें अगर आपका मन नहीं भर रहा है दिल को चैन नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक और बना देते हैं देखो यार देखो देखो अगर ऐसा हो जाए ऐसा कैसा मैम ये देखो इसको भी तो विसिनल बोलोगे यार क्योंकि इसमें भी क्या है एडजस्टेंट कार्बन आइटम पर क्लोरीन लगा हुआ है तो यहां पर ये भी आपका क्या हुआ दिस इज आल्सो ऑल्सो विसिनल डाहेलाइड ये भी आपका क्या है विसिनल डाहेलाइड है है ना यहां तक बताइए किसी को कोई मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है अच्छा फिर आप एक लास्ट बात बता देंगे क्योंकि इसी के साथ आपका आज का ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा और फिर कल हम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही कल हम बाकी के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप्स एक बार ही हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कल आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे यानी कि आप लोग ये पढ़ते हो नाथ इथ प्रोप और ये वगैरह 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 है ना मीथेन इथेन ये सब किधर से आता है वो हम आपके प्रिफिक्स बेसिकली कल वहां से स्टार्टिंग होगी तो मैं एक श्योर कल की क्लास में आप जरूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड कल की क्लास हमारे नॉर्मल टाइम यानी कि आठ बजे स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो ऐसा कुछ कुछ दिन से हमारी क्लासेस थोड़ी लेट हो रही हैं बट दिस इज़ नॉट द रेगुलर टाइम है ना हमारे सेशन का जो रेगुलर टाइम है वो आठ बजे ही है टाइम चेंज नहीं हुआ है बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है है ना देखिए इसके बारे में क्या ख्याल है मैम ये डाई तो पक्का ही है क्योंकि मैम देखो ना दो क्लोरीन लगे इसमें हाँ यार बात तो ठीक है दो क्लोरीन लगे डायहेलाइड तो बोल सकते हैं पर ये कैसा है क्या इसको मैं विसिनल कह दूं चलेगा नो no, मैम ऐसे कैसे विसिनल कह दोगे आप विसिनल तो तब कहते हैं जब हाइड्रोसेंट कार्बन आटम पर हो और ये देखो ये कार्बन तो एक दूसरे से बड़े ही दूर है एक कार्बन इधर और दूसरा कार्बन इधर तो बीच में तो बड़ी दूरियां हैं है ना

इसको हम क्या बोलते हैं ऐसा अगर आपके पास आ जाए आइसोलेटेड डायलाइड यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग है एक दूसरे से कोई सीन नहीं चल रहा है आपका ठीक है तो यहां पर यह आपके क्या कहलाते हैं, हैं। बताइए इतना समझ आया। इसके बाद, हमारा, जो आगे का पूरा sure सेशन आज रिवाइज करें देखिए तो हमने आज के क्लास में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कवर किए सबसे पहले हमने अल्कोहल के बारे में सीखा सीखा अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका एल्कोहलिक ग्रुप कौन से कार्बन एटम से जुड़ा है यानी कि कार्बन एटम का क्या है कार्बन का जो नेचर है वही नेचर आपका एल्कोहल का कहलाएगा लेकिन वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल को आप सेम ही फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं इसके बाद हमने देखा आ, कैसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अगर गिवेन है तो उनमें टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर

फिर हमने अमाइड के बारे में सीखा और अमाइड्स के बाद आप लोगों ने देखा एंड कैसे फीनौल और दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मोनोहेलाइट डायेलाइड जेमिनल डायलाइड विसिनल डायेलाइड एंड आइसोलेटेड डायलाइड क्या होते हैं आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पूरा का पूरा बात अच्छे से और इसको आप रिवाइज कर आएंगे खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब जब आप रिविजन करोगे ना तो इतना मजा आएगा आपको सब कुछ आता होगा अब एक बात बताओ क्लास में आपको जितना टाइम लग रहा है बस उतना लग रहा है सच सच बताने एकदम ऐसा दिल पर हाथ रखकर ठीक है जितना टाइम तुम लोग को क्लास में लग रहा है उतने टाइम में दिमाग चलाना पड़ रहा है इज एक बार ही क्लास में सीख लिया तो आप सच बताओ मेरे को घर में जाकर इसके ऊपर कुछ लर्न करना पड़ेगा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको नहीं आपने सीख लिया आप बस आगे चलकर इसको अप्लाई करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही होती है क्लास में आप आए हैं क्लास में अगर आप समझेंगे तो घर पर बस उसका प्रैक्टिस करना है उसको अप्लाई कर कर देखना है नोट्स को रिवाइज करना है नोट्स पूरे होने चाहिए और बाकी कुछ नहीं क्योंकि मैं आपको क्लास में इतना क्वेश्चंस करा दूंगी और क्लास में हमारा इतना लेवल ऑफ क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको ये बहुत आसान लगेगा आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरा चैप्टर पहले ही फिनिश है यार और

है ना और फिर आई पैक नामचर के बाद आपको क्या लगता है हम कौन सा यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एट द सेम टाइम बताना नहीं भूलेंगे कि और आपको क्या लगता है कि कैसे आपकी मदद कर सकती है आकांक्षा मैम यानी कि और भी कुछ आप चाहते हैं कि यार मैम यूट्यूब पर ये भी करा दो मैम क्वेश्चन करा दो मैम काश ऐसा भी हो जाता यार मैम मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गया है तो अगर आप मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं और मुझसे मुझ तक कोई भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन वो एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है और यहाँ पर आप लिखिए

कि फोर एस्पिरेंट्स के लिए भी आप दिस एक्सक्लूसिव सेशन तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर चलिए दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच गुड लक टाड़ा बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट